स्पेशल वजीराबाद जहाँ दिल्ली का एंट्री पॉइंट आता है वहाँ भी पानी रोका गया है, तो उसके बाद कितना मुख्य प्रवाह मुख्य धारा में प्रवाह है ये भी सरकार स्पष्ट करे तो जन सहयोग के लिए आसानी हो, जिसमें सरकार और समाज के बीच विश्वास का संबंध होना चाहिए, संवाद फलप्रद होना चाहिए, इसके लिए पारदर्शिता पर विश्वास सरकार का समाज पर, समाज का सरकार पर, इसलिए मैंने इतनी बातें अभी उठाई हैं। एक अच्छी सुखद बात मिली इस बार के प्रयत्न में, दिल्ली में काम कर रहे सभी प्रमुख राजनीतिक दल उन्होंने समर्थन दिया, अब इनका प्रत्यक्ष सहभाग कम ज्यादा कितना होगा ये तो 4 तारीख को स्पष्ट होगा। गोविंदाचार्य का संकल्प यमुना स्वच्छ पानी निर्मल रहे, यमुना प्रदूषण और इनकोर्चमेंट से मुक्त कैसे हो, इसके लिए 4 जून को वजीराबाद बैराज से कालिंदी कुंज तक मानव श्रृंखला शुरू कर यमुना के 8 पड़ाव लेते हुए लोगों को जागरूक करेंगे। आइए हम सब मिलकर साथ चलें। यमुना जो पहले लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा थी अब एक गंभीर खतरे का सामना कर रही, प्रदूषण और अतिक्रमण ने इसके पानी को काला कर दिया, लेकिन हमें उम्मीद है हम इसकी प्राकृतिक महिमा को पुनः स्थापित करने की इच्छा रखते। 4 जून को एक ऐतिहासिक घटना होगी, हर वर्ग के लोग हाथ मिलाएंगे एक मानवीय श्रृंखला बनाकर जो यमुना के किनारों पर फैलेगा। वजीराबाद बैराज से कालिंदी कुंज तक फैलने वाली ये मानवीय श्रृंखला एकता और संकल्प का शक्तिशाली प्रतीक होगी। संदेश स्पष्ट है, यमुना साफ होनी चाहिए और इसका पानी पवित्र होना चाहिए। यह आंदोलन जागरूकता बढ़ाने और उन लोगों की आत्मा को जागृत करने की कोशिश करता है जो इस पवित्र नदी के महत्व को भूल गए हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं। जिस तरह भगवान श्री नारद जी ने वृद्ध हुए ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था में प्रदान कराया, आखिर सरकारी योजना पन्नों में सिमट कर क्यों रह जाती है, बाकी के राज्यों की तरह क्यों नहीं प्रयास हो पा रहा है। दिल्ली से यमुना घटते घटते सिमटती सुकुड़ती लुप्त होती जा रही है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संबंधी मामलों के अधिकरण का समर्पित भाव नहीं दिखाई दिया। उत्तराखंड मामले में अलकनंदा हाइड्रो पावर को मुआवजा देने का आदेश दिया। आर्ट ऑफ लिविंग को पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन में NGT ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। बिना प्रयास के राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मुआवजा और चालान काटने से यमुना स्वच्छ हो पाएगी। 54 किलोमीटर यमुना दिल्ली से गुजरती जिसका 80% गंदे नाले का पानी और फैक्ट्री का कचरा गिरता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं NGO द्वारा ज्ञान विज्ञान की बातें करने से यमुना मैया साफ होंगी। इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस परिवर्तनकारी आंदोलन का हिस्सा बनें। आइए हम सब मिलकर यमुना को स्वच्छ और पवित्र बनाएं।